सो हेलो व्हाट्स अप भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू इन दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर वो हुआ तो आप लॉबी में, सीरियसली बता रहा हूँ, आप लॉबी में। तो मैच हमारा शुरू हो चुका है और हमें एस ट्वेल्व के मिल चुके हैं और ये सामने हमें यूजी भी मिल जाती है। और यूजी मिलते ही हमारे सामने एक बंदा आ जाता है। अगर आपको मेरा वॉइस चेंज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं और भी वीडियोस इसी मेथड से बना पाऊँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वो लाल वाला बटन तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आगे वीडियोज़ बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता रहता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे एक बंदे का फुटप्रिंट सुनाई देता है कंटेनर के नीचे से। तो मैं उसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ जो इस कंटेनर के नीचे घुसा रहता है। यहाँ पर मुझे वो थोड़ा सा दिखाई भी देता है जिस पर मैं फायर भी करता हूँ। वो बंदा यहाँ से भाग के वेयर हाउस में जाके घुस जाता है जो मुझ पर भी फायर भी करेगा। और इस तरह से ये जो एनिमी था वो मर चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे एनिमी के लिए। आगे जाते हैं, मुझे पूरी स्क्वाड मिल जाती है। देखिए मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता हूँ। यहाँ आते आते मुझे एक एनिमी ने देख लिया रहता है और वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर ओपन एरिया है इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता, उन लोग को आने दूंगा। मैं थोड़ा सा पोजीशन होल्ड करूँगा। एक बंदा भी फ्लैंक मारता है और पोजीशन चेंज कर देता है रश मारने के लिए। मैं भी थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देता हूँ उसको मारने के लिए। और थोड़ी देर बाद दोनों बंदे मेरे पर रश कर देते हैं। यहाँ पर उसका एक जो लास्ट पार्टनर था वो आ ही नहीं रहा था। मैंने थोड़ा सा पार्ट स्किप कर दिया, थोड़ा सा सेकंड, और फिर वो भी मेरे पे रश कर देता है। अब इस तरह से हमारा नोवो क्लियर हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। काफी दूर जाने के बाद मैं रजोक के पहाड़ी पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक बंदा गहराई में लेटा हुआ दिखता है। वो शायद काफी टाइम से फाइट ले रहा था। अब मैं यहाँ पर ध्यान दूंगा कि स्कूल से भी मुझे फायरिंग आ रही थी। तो कोई बंदा अगर मेरे को मारते हुए बनता है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई बंदा खड़ा तो नहीं है। बट वो बंदा छत पे कॉर्नर पे लेटा हुआ रहता है इसलिए मुझे एम लेते नहीं बनता। मैंने यहाँ पर ट्राई भी किया था बट एक्यूरेट शॉट लेते नहीं बन रहा था इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा और आगे दूसरी तरफ चला जाऊंगा। अब मेरे इधर आते ही रोज़ों के पहाड़ी पर एक पूरी स्क्वाड आ जाती है और इधर भी बंदे होते हैं। तो मैं पहले इन पे ध्यान दूंगा, फिर बाद में रोज़ों वाले पहाड़ी पे जो है उनको मारने जाऊंगा। तो यहाँ पर छत पे चढ़ते ही मुझे एक बंदा दिखाई देता है तो मैं उसको शूट करता हूँ।
तुरंत इधर मुझे एक शॉट आती है तो मैं अपना किल सिक्योर करने लग जाता हूँ, क्योंकि पहाड़ी वाले बंदे जो हैं वो इनको मार के मेरा किल चुरा सकते हैं। इसलिए मैं किल चुरा के उनके तरफ आगे बढ़ जाता हूँ। अब ये स्क्वाड क्लच करने के बाद मेरा टारगेट ये था कि जो नीचे रोजोक से बंदा मार रहा था उस पर ध्यान देना। तो मैं यहाँ से गाड़ी लेके जाता हूँ, इधर मैं होल्ड करके चेक करता हूँ, फिर मुझे छत से वो बंदा, एक ही सोलो बंदा था, जो दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखने के बाद आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि जोन भी उधर कट गया था तो मुझे जोन में भी जाना था और ये सोलो था, इसलिए मैं आगे जाके रिज पे होल्ड कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि वो बंदा आएगा तो मुझे दिखाई देगा और आते हुए दिखाई भी देता है और मैं उसको क्लियर भी कर देता हूँ। अब यहाँ काफ़ी घूमने के बाद मुझे सामने एक गाड़ी दिखाई देता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि गाड़ी उसके सामने लगा दूँ, ताकि उसकी गाड़ी और मेरी गाड़ी टकरा जाए और मैं मार पाऊँ। अब वहाँ से आने के बाद मुझे ये सेवरनी के साइड से एक फायरिंग आइकन आता है, तो मैं गाड़ी उसी की तरफ ले जाता हूँ और उनको मारने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो मिस्टेक होने वाली थी वो यहीं होती है, आप ध्यान देना, वो मिस्टेक यहीं होती है। शायद आपने ध्यान नहीं हो दिया होगा, तो एक बार फिर से देखिए, मैंने गन निकाला बट मेरा गन सिंगल पे था। ये होती है मिस्टेक, इसको आपको ध्यान रखना है और ये कभी नहीं करना है, भूल कभी नहीं करना है, इसको आप परमानेंटली ध्यान दीजिएगा ही। Peace.